नमस्कार, हाजिर हूं मैं, आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका कौशल और आज बहुत ही विशेष मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी। आपने कहा, मेरा एक सवाल है, आपने कहा कांग्रेस में कोई बहुत अच्छे लीडर बचे नहीं है, रेणु जोगी अभी फिलहाल कांग्रेस का ही हिस्सा है, और वो आपको नहीं लगता कि कांग्रेस के लिए चीफ मिनिस्टर का बेहतर विकल्प भी हो सकती है? डॉक्टर रेणु जोगी जी को अगर चीफ मिनिस्टर के रूप में कैंडिडेट घोषित कर देती है तो क्या अजीत जोगी जी का गुस्सा शांत हो जाए? मुझे गुस्सा है ही नहीं। मैंने आपको बताया, मैंने तो राष्ट्रीय और आंचलिक पार्टी के लॉजिक पर पार्टी बनाई है। मुझे कांग्रेस से कोई झगड़ा या भाजपा से कोई व्यक्तिगत झगड़ा इसलिए नहीं बनाई है। मेरा ये स्पष्ट आकलन है कि छत्तीसगढ़ जैसे अपेक्षाकृत छोटे प्रदेश के लिए, जिसके पास इतने संसाधन हैं, यहाँ इसको राष्ट्रीय पार्टी को नहीं चलाना चाहिए। अगर ममता बनर्जी बंगाल चला सकती हैं, जयललिता ने अगर तमिलनाडु को चलाया, नीतीश कुमार बिहार को चला रहे हैं, तमाम राज्य हमारे जो उड़ीसा में पटनायक जी चला रहे हैं, तो उससे बेहतर स्थिति छत्तीसगढ़ की है संसाधनों की दृष्टि से। इसलिए हमको राष्ट्रीय पार्टी का नेतृत्व छत्तीसगढ़ के साथ अन्याय है और छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय नेतृत्व नहीं चाहिए। यहाँ एक आंचलिक पार्टी की ज़रूरत थी, पहले भी प्रयास हुए और सबसे जो गंभीर प्रयास किया वो विद्या चरणजी शुक्ल ने किया, पर वो सफल नहीं हुए। उसका मुख्य कारण ये था कि बिल्कुल चुनाव के थोड़ा पहले उन्होंने फैसला किया। मैंने फैसला किया तो सोच समझकर 2 साल से ऊपर का समय अपने आप को दिया कि मैं पूरी तैयारी कर सकूं। विद्या चरण जी के उतना सफल ना होने का मुख्य कारण मैं ये मानता हूं कि उन्होंने अनायास आखिरी समय में फैसला किया, तो जो तैयारी एक नई पार्टी को करनी चाहिए वो नहीं हो पाई। सर, अविभाजित मध्य प्रदेश में भी इस तरह की कोशिश हुई थी, माधवराज सिंधिया जी ने जब मध्य प्रदेश विकास कांग्रेस बनाई थी और 2 ही सीटें आ पाई थी उसमें। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश चूँकि मेरा प्रदेश रहा है, आप भी वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, द्विवेदी जी भी ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम सब मध्य प्रदेश को अच्छे से समझते हैं। मध्य प्रदेश में आंचलिक पार्टी का उद्भव बहुत मुश्किल है क्योंकि मध्य प्रदेश एक इकाई नहीं है। विंध्य प्रदेश बिल्कुल अलग है, महाकौशल बिल्कुल अलग है, मध्य भारत जो भोपाल का इलाका है वो बिल्कुल अलग है, ग्वालियर वो बिल्कुल अलग है। ना उनकी भाषा मिलती है, ना संस्कृति मिलती है, ना भोजन मिलता है। आप दाल बाटी खाते हैं इंदौर में, और अगर आप विंध्य में चले आएंगे तो यहाँ दाल बाटी का कोई खाने वाला नहीं मिलेगा आपको। तो इतना अंतर है मध्य प्रदेश में विभिन्न अंचलों में कि कोई आंचलिक पार्टी नहीं बन सकती। आंचलिक पार्टी बनेगी तो विंध्य प्रदेश की बन के रह जाएगी, आंचलिक पार्टी बनेगी तो महाकौशल की बन के रह जाएगी, या भोपाल की बन के रह जाएगी, या ग्वालियर के मध्य भारत की बन के रह जाएगी। पर छत्तीसगढ़ एक है, छत्तीसगढ़ में आंचलिक पार्टी बनी है और सफल हो रही है। ऐसा माना जा रहा है कि विधानसभा के जितने भी चुनाव हुए हैं, जो 3 विधानसभा के जो चुनाव हुए हैं यहाँ पे, उसमें भारतीय जनता पार्टी अजीत जोगी जी का हवा एक खड़ा करती है चुनाव के दौरान कि अगर कहीं कांग्रेस आ जाएगी तो अजीत जोगी फिर मुख्यमंत्री हो जाएंगे, उनके कार्यकाल में जो भी घटनाएं हुई है उनकी फिर से पुनरावृत्ति होने लगेगी, इसलिए आप कांग्रेस को अब वोट मत दीजिए, ऐसा माना जाता है, ऐसा राजनीतिक हलकों में चर्चा होती है। चूंकि अब अजीत जोगी जी पार्टी अपना खुद का पार्टी बना लिए हैं, अब ये हवा कांग्रेस की तरफ से खड़ा किया जा रहा है कि अब ये चीजें हो जाएगी। एक सीधा सा सवाल है अजीत जोगी जी कि आपकी जो छवि है एक प्रकार से एक विवादास्पद छवि रही है। ठीक है, आपकी छवि एक जन नेता की रही, लेकिन साथ साथ एक विवादों के साथ भी आपका नाता रहा है, लगातार आपके साथ कोई ना कोई विवाद से आपको जोड़ा गया है, राजनीतिक तौर पर जोड़ा गया है, आपके राजनीतिक विरोधी जोड़े हैं, लेकिन एक विवाद से तो जोड़ा रहा है, चाहे वंतागढ़ का मामला हो या उसके आपके समय में जो घटनाएं हुई थी, जैसे मर्डर का एक मामला हुआ था उसमें भी आपके परिवार के लोगों का नाम आया। ऐसी स्थिति में आप जनता के सामने चुनाव के लिए अपना वोट कैसे मांगने जाएंगे? देखिए, पत्थर उसी पेड़ पे मारे जाते हैं जिस पर ज्यादा फल लगते हैं, तो आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे, दूसरे पर क्यों लगाएंगे? सबसे ज्यादा फल तो इसी पेड़ में लगे हुए हैं ना, इसलिए आरोप मेरे ऊपर लगते थे, लगते रहेंगे। और राजनीति में आरोप ना लगे,
ऐसा व्यक्ति अगर कोई है तो वो राजनीति के लायक बिल्कुल नहीं है। आरोप तो लगेंगे, और आरोप मैं ये मानता हूँ कि झूठे आरोप लगते हैं तो ज़्यादा देर तक उनका असर नहीं पड़ता है। मेरे ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उसमें से एक भी प्रमाणित नहीं हुआ। आपने कोई मर्डर केस का जिक्र किया, सब सम्मान छूट गया, मेरा पुत्र उसमें लोअर कोर्ट से भी हाई कोर्ट से भी, तो उसी तरह से आपने अंतरगढ़ मामले की बात कही, उसमें भी कोई चार्जशीट किसी ने प्रस्तुत नहीं की। हाई कोर्ट में कांग्रेस ने दायर किया था कि चार्जशीट पेश करने के लिए इनको फोर्स किया जाए, तो हाई कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया। वो इतनी आधारहीन बातें उसमें कही गई हैं कि मुकदमा बन ही नहीं सकता है। तो आरोप मेरे पे पहले भी लगते थे, अब भी लगते हैं, और मैं ये मानता हूँ कि दोनों पार्टियाँ लगाएंगी मेरे ऊपर आरोप, क्योंकि मुख्य प्रतिद्वंदी तो मैं हूँ, मेरे से लड़ाई है, दोनों पार्टियां लड़ाएंगी। और कांग्रेस को तो जोगेरिया ही है, वो मेरे अलावा और कुछ बोल भी नहीं सकते और बोलेंगे भी नहीं। सर ये अभी अभी एक चीज देखने में आ रही है, सुमंदन जी आप बिल्कुल पूछेगा, आपकी बारी नहीं आ पाई जी। अभी देखिए आप लगातार, अगर राहुल गांधी आए तो गिरौदपुरी चले गए, अमित शाह आए गिरौदपुरी चले गए, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सतनामी जो वोट है या जो ऐसी सीट है उनको साधने की कोशिश ये पार्टियां कर रही है, क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं ये बैठा हुआ है कि जोगी जी का वहां भी अच्छा प्रभाव है, और ऐसा ना हो सारे वोट अजीत जोगी की पार्टी को चला जाए। आपको ऐसा लगता है कि आपके डर से ही बार बार गिरौदपुरी का दौरा बनाते हैं सारे लोग? देखिए, मेरे डर से बनाते हो या ना बनाते हो, एक बात स्पष्ट है, गिरौदपुरी छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े संत का स्थान है, उसके लिए न केवल सतनामी समाज पर पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों की श्रद्धा है। वहाँ कोई सच्चे मन से जाए पूजा करने तो मैं उसका स्वागत करता हूँ। अगर अमित शाह जी सच्चे मन से गए, अगर पूनिया जी सच्चे मन से गए, अगर राहुल जी सच्चे मन से गए, तो वो तो बहुत स्वागत का विषय है। पर यदि केवल राजनीति के लिए गए हैं, जैसा आपने स्वतः कहा कि वोट बैंक की बात है, और वो समाज मुझसे विशेष लगाव रखता है, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि वो हमारी इस धरती पर जितने संत अवतरित हुए हैं उनमें सबसे बड़े संत थे, उन्होंने जो रास्ता मन के एक समान का बताया, वो अपने समय से यानी 18वीं शताब्दी से कहीं आगे बढ़कर 21वीं 22वीं शताब्दी का एक मंत्र उन्होंने दिया था। और उनके सम्मान में मैंने वहाँ जैत खाम जो कुतुब मीनार की ऊँचाई का है, उनके सम्मान में मैं हमेशा 18 दिसंबर को कैदियों का रिहा करता था। उनके सम्मान में मैंने सार्वजनिक रूप से कहा कि ये प्रदेश चलेगा तो उनके बताए हुए सत्य के मार्ग पर चलेगा, इत्यादि बहुत सी बातें मैंने ऐसी की जिससे वो समाज मुझे अपने बिल्कुल नज़दीक पाता है। तो अगर राजनीतिक दृष्टि से गए थे ये तीनों, जो मुझे लगता है कि ये राजनीतिक दृष्टि से गए थे, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि उनको ये डर लगता है कि ये वोट तो मेरी तरफ झुका हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से जाओगे तो उनका आशीर्वाद आपको नहीं मिलेगा, अगर आप श्रद्धा से जाओगे तो उनका आशीर्वाद मिलेगा। सर मेरा एक सवाल ये था कि जैसे कि अभी विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो आप लोग कितनी सीटों पर प्लानिंग कर रहे हैं, और सीएम का कैंडिडेट क्या आप होंगे, अमित जोगी जी होंगे, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि आपकी पत्नी आपके साथ देर समय आएगी, तो क्या वो सीएम के कैंडिडेट होंगे आपकी पार्टी से? प्रश्न अच्छा है। 90 की 90 सीटें लड़ेंगे हम, 90 की 90 सीटों पर हमारी तैयारी है। कल परसों में मेरी कोर कमेटी की बैठक में हम पहली लिस्ट अप्रूव कर देंगे अपने, जिससे लोगों को ये पता चल जाए कि हमारी तैयारी पूरी है। अभी तक किसी ने अभी कैंडिडेट घोषित करने का सोचा भी नहीं है, पर हमारी पहली लिस्ट बन गई है जिसमें 25 से 30 नाम हैं कोर कमेटी में, उनमें से कुछ छाँट कर, पूरे 25-30 की घोषणा अभी हम नहीं करेंगे। वैसे तो हमने 65 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ऑलरेडी कैंडिडेट आइडेंटिफाई कर लिए हैं, पूरे 90 पर लड़ेंगे, बाकी जगह कई दावेदार हैं उनमें से हमें तय करना है। तो और जहां तक मुख्यमंत्री बनने का सवाल है, इस बार मैं चाहूं या ना चाहूं, पर जनता चाह रही है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। जो मेरे 3 वर्षों का शासनकाल उन्होंने देखा है, धान की खरीदी सबसे पहले चालू हुई,
काम के बदले अनाज योजना में हर गरीब के घर में चावल का स्टॉक रहा, योगी डबरी बनी, इत्यादि इत्यादि जो काम हुए। पहली बार प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पूरे देश में मैंने प्रारंभ की, पूरे देश में कहीं नहीं चलती थी। 3 साल के डॉक्टर मैंने बनवाए, पैरामेडिकल मैंने चालू किया, एस्कॉट हॉस्पिटल, अपोलो हॉस्पिटल मैं नेगोशिएट करके लाया। तो इन सब कारणों से लोगों को लगता है कि अजीत जोगी को ही कमान संभालनी चाहिए। तो मेरी पार्टी चाहती है कि चुनाव जीतेंगे तो मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, उसमें भूमिका सबकी रहेगी, रेणु जोगी की, अमित जोगी की, अन्य लोगों की भी भूमिका रहेगी, पर मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा और सभी 90 सीटों पर लड़ेंगे। पर चुनाव चिन्ह के मामले में आप क्यों पिछड़ गए? अभी तक आपकी पार्टी को चुनाव चिन्ह ही नहीं मिल पाया है, ये कारण नहीं बनेगा आपके पिछड़ने का भी? देखिए, ये तो पूरा देश कानून से चलता है, जंगल का राज्य नहीं है, निर्वाचन आयोग का कानून है, उस कानून के अंतर्गत अभी हमारा नंबर नहीं आया है। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने फिर हमें तारीख दी थी, मेरे ऊपर विशेष मेहरबानी करके मैंने आवेदन किया था कि पूरा इलेक्शन कमीशन का जो बोर्ड होता है वो मेरी सुनवाई करे कि मैं क्यों जल्दी चाहता हूँ, तो उन्होंने उसे स्वीकार किया और मुझे तर्क देने के लिए बुलाया, मैंने तर्क दिए। उस पर अभी उन्होंने अंतिम फैसला नहीं दिया है, पर जो वर्तमान नियम है उसके अनुसार हमारा नंबर अभी नहीं आ रहा है। वहाँ एक नियम के तहत ही चुनाव चिन्ह दिए जा सकते हैं, क्रम से दिए जा सकते हैं। चुनाव के पहले तो संभावना है? हाँ, वो तो उसमें कानून में ही लिखा है कि चुनाव के 6 महीने पहले से ज़्यादा देर नहीं की जा सकती, यानी अधिकतम सीमा जो चुनाव आयोग ले सकता है वो 6 महीने पहले तक की ले सकता है। तो वो तो 6 महीने पहले तो मिल ही जाएगा, पर हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अपवाद के रूप में मैंने बहुत से तर्क दिए हैं, जैसे नक्सलवाद का तर्क दिया है कि भाई बाकी लोगों को तो चुनाव चिन्ह फैलाने में समय नहीं लगेगा, मुझे तो नक्सलवादी इलाकों में जाने में समय लगेगा, बाकी लोगों को समय नहीं लगेगा, हमारे तो बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ सड़क नहीं है, हमारा तो बहुत बड़ा भाग ऐसा है जहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, जिनको चुनाव चिन्ह के आधार पर ही वोट देना पड़ेगा। इस तरह के मैंने करीब 11-12 तर्क दिए हैं कि हमारे लिए ये नियम तोड़ा जाए और हमें जल्दी दिया जाए, और उसके लिए मैंने निवेदन किया था कि पूरा इलेक्शन कमीशन, जिसको कहते हैं फुल बोर्ड, जिसमें इलेक्शन कमीशन के 3 मेंबर और जितने सेक्रेटरीज होते हैं वो सब लोग बैठते हैं, उन सब ने मुझे बुलाया, मेरी जैसे पेशी आप लोगों के सामने हो रही है ऐसी पेशी उनके सामने हुई, मैंने अपने तर्क रखे, उन्होंने भी उसकी उसका प्रति परीक्षण किया और सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन दिया, पर फैसला अभी तक मेरे उस जो भेंट हुई थी उस पर अंतिम फैसला आना उनका बाकी है। आज ही मैंने चुनाव आयोग से बात की थी, उन्होंने कहा था कि शीघ्र ही फैसला आ जाएगा, हो सकता है इस 15 तारीख के पहले फैसला आ जाए। सर, वैसे तो आपका एक मिनट सुनो दीदी, वैसे आपका मैनिफेस्टो तो आपका आ ही चुका है लगभग कि ये चीजें आप करेंगे अगर आपकी सरकार बन जाती है, तो चाहे वो धान के बोनस से लेके सारे जो लोकल मुद्दे, नक्सलवाद पे सर कुछ विशेष आपने अभी बोला नहीं है, ये एक स्थायी समस्या के रूप में छत्तीसगढ़ इसको फेस कर रहे हैं, अगर आपकी सरकार बन जाती है इसको लेकर भी कुछ आपने सोचा है, कोई रणनीति तय की है? देखिए, मैंने नक्सलवाद पर बहुत बड़ी बात कही, पर इस इलाके में नहीं कही, तो जो आजकल आंचलिकता फैल गई है पत्रकारों में भी, और इसलिए यहाँ नहीं छपा। मैंने ये कहा जिस दिन मेरी शपथ होगी उसके दूसरे दिन ही मैं जगदलपुर शिफ्ट हो जाऊँगा, और मैं वहाँ से तब तक राज्य का संचालन करूँगा जब तक मैं इस समस्या का हल नहीं निकाल लूँगा। मेरा अपना मानना ये है कि यदि नेपाल जैसे देश में प्रचंड जो उनका कमांडर इन चीफ था, बातचीत के रास्ते से सुलह हो गई, वहाँ का प्रधानमंत्री बन गया, तो यहाँ भी जो पूरा जोर है बुलेट फॉर बुलेट पर, जवाब केवल बंदूक से ही दिया जाए, ये रणनीति सफल नहीं हो सकती। मैं ये मानता हूँ 3 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई होनी चाहिए, सामाजिक आर्थिक मोर्चा, उनको मुख्यधारा के लगभग बराबर लाना पड़ेगा, आज हमसे वो 5000 साल पीछे हैं, पाषाण युग में रह रहे हैं अबूझमाड़ के लोग, तो सामाजिक आर्थिक मोर्चा युद्ध स्तर पर
दूसरा मोर्चा राजनीतिक पहल का मोर्चा, कहीं ना कहीं से तो आखिर अपने देश के लोग हैं, गोली गोली से तो नहीं होगा, एक मारते हैं चार पैदा हो जाते हैं, बातचीत तो कहीं ना कहीं करनी ही पड़ेगी, किसी माध्यम से करनी पड़ेगी, तो राजनीतिक पहल भी करनी पड़ेगी। वहाँ एक ऐसा इलाका है जहाँ कोई दूसरी राजनीतिक विचारधारा है ही नहीं, वहाँ के लोगों को लगता है कि यही हमारा उद्धार कर सकते हैं, विशेषकर जो दक्षिण बस्तर है वहाँ दूसरी विचारधारा, कांग्रेस की विचारधारा, भाजपा की विचारधारा, हमारी पार्टी की विचारधारा, ये भी उन लोगों के बीच में ले जानी पड़ेगी। तो राजनीतिक पहल दूसरा मोर्चा, और तीसरा मोर्चा जिसको मैं सबसे कम महत्वपूर्ण मानता हूँ, कानून और व्यवस्था का मोर्चा। गोली का जवाब गोली से दीजिए, वो एक गोली मारे तो दस गोली मारिए, वो तो चलेगा, पर उसके साथ अगर आप सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर लड़ाई नहीं लड़ेंगे, उसके साथ अगर आप राजनीतिक, तो मैं वहाँ बैठ कर ये सुनिश्चित करूँगा कि सामाजिक आर्थिक मोर्चे पर ऐसा कुछ कर दिया जाए कि अभुजमाड़ वाले लोगों को लगे कि अब हम रायपुर का हिस्सा बन गए हैं। वहाँ राजनीतिक पहल करके हम कोई ना, अगर नेपाल जो पूरा देश ग्रसित हो गया था वहाँ हल निकाला जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ तो छोटा सा प्रदेश है। एक सवाल, अभी आपने कहा कि धनबल और जनबल के बीच में लड़ाई होगी, धनबल आपने भारतीय जनता पार्टी को कहा कि काफी धन है उनके पास, वो धन से लड़ेंगे, हम जन से लड़ेंगे। देखिए, बगैर धन के तो अर्थ के बगैर विकास की बात व्यर्थ है कहा जाता है। अर्थ की जरूरत तो आपको पड़ेगी, आप इस चीज से इनकार नहीं कर सकते। आप अर्थ की व्यवस्था कैसे करेंगे, धन की व्यवस्था कैसे करेंगे इस चुनाव में? देखिए, ये सबसे कठिन यक्ष प्रश्न है कि कैसे व्यवस्था करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि अभी तक हमारी पार्टी ने इतने बड़े बड़े आंदोलन किए, काफ़ी पैसा खर्च हुआ, पर शायद ही किसी को विश्वास होगा कि हमको, मुझे अपनी तरफ से कुछ खर्च नहीं करना पड़ा। कहीं ना कहीं से हमारे कुछ धनाढ्य लोग भी मेरे मेंबर हैं, कुछ गरीब लोग मेंबर हैं, पर सब इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। मैंने 2000 रुपये का एक कॉइन निकाला, कॉइन कहते गलत है, स्मृति चिन्ह निकाला था, मेरे 50 वर्ष जनसेवा के पूर्ण हुए, पुलिस की, आईएएस की और राजनीति की सेवा मिला लो तो 50 वर्ष 2017 में पूर्ण हुए, उस पर 2000 रुपये का सिक्का निकाला था, वो एक एक सिक्का बिक गया, यानी गरीब लोगों ने लिया, 2000 कोई बड़े आदमी ने नहीं लिया, पर लगभग 1 करोड़ के सिक्के थे वो, हाँ, और सब बिक गए, हाथों हाथ बिक गए, कुछ नहीं करना पड़ा। इस तरीके से मैंने कुछ नायाब तरीके, कभी जो अमेरिका में होता है कि डिनर पे बुलाओ और डिनर पे बुला के उल्टा उनसे पैसा लो, तो 1000 रुपये की थाली कुछ लोगों को बुला लिया, उससे पैसे एकत्र हो जाते हैं, मतलब इस तरह के इस तरह से ही मुझे करना पड़ रहा। और मुझे ये मालूम है कि आखिर मैंने 30 साल दिल्ली की भी राजनीति की है और राष्ट्रीय राजनीति की है, तो राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ बड़े उद्योगपतियों से मेरे संबंध रहे हैं, अभी तक उनसे बातचीत नहीं की है, पर बातचीत करूँगा तो कुछ सफलता मिलेगी, पैसा आएगा। जब भी कोई शुभ कार्य किया जाता है तो उसके लिए पैसे की कमी नहीं होती है। इसमें चर्चा ये थी कि कुछ अन्य क्षेत्रीय दलों से भी आपकी बातचीत चल रही है, आपकी मेल मुलाकात भी लोगों से हुई है, कुछ विशिष्ट जनों से, उसमें कई राजनीतिक दलों के प्रमुख भी थे, क्या सोचा है? उसको बहुत ज़्यादा तो मैं उजागर नहीं कर सकता, पर बिल्कुल आप सच कह रहे हैं, आपकी सूचना बिल्कुल सही है। विभिन्न आंचलिक पार्टी के लोगों से मेरे संपर्क, नीतीश कुमार से भी बात हुई, हाँ उनसे भी बात हुई, पर किसी विशेष का नाम मैं नहीं लेना चाहता क्योंकि ज़्यादातर से मैं बातचीत कर रहा हूँ, और उनसे भी आशा करूँगा कि वो लोग भी समय आने पर मदद करेंगे। सर, वैसे तो आपसे बातें करना सबको अच्छा लग रहा है, बहुत सारी उत्सुकताएँ थी जो भी आपसे बात की, और शांत भी हुई, कुछ और पत्रकारों का तो कभी मन खत्म भरेगा नहीं, और खासतौर से जब आपसे बात की जाए। एक बहुत ऐसा सवाल जो जिससे सीधा आपका कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही आपकी राजनीति का, लेकिन मैं फिर भी चाहूँगी, आप बहुत सीनियर लीडर हैं और बिल्कुल आप ना जवाब देना चाहें तो आप नहीं भी दे सकते, ये भी ऑप्शन है इस सवाल के साथ, क्योंकि सवाल थोड़ा ऐसा है। अभी एक मुद्दा बहुत तेज़ी से आया कि रावण को लेकर बातें हुई, जैनियों से शुरू होकर बस्तर तक चलेगी, कि रावण, ये कहा गया कि आदिवासियों के पूर्वज हैं, उन्हें ना जलाया जाए, इस तरह की मांग बाकायदा बस्तर से उठी,
गोंड समुदाय, हाँ, विशेषतः आदिवासी समुदाय। देखिए ये बात आज नहीं उठी है, ये बहुत पहले से उठी है। और दक्षिण भारत में तो बहुत स्थानों पर जो आर्य और द्रविड़ का भेद है वो भेद इसमें सामने आता है। जो लोग द्रविड़न कल्चर को मानते हैं उनकी मान्यता ये है कि भगवान राम आर्यों के द्वारा पूज्य हैं और हमारे द्रविड़ लोगों के लिए पूज्य नहीं है। उन्होंने हमारे भगवान तुल्य या राजा तुल्य रावण का वध किया, अकारण वध किया इत्यादि इत्यादि उनकी भावनाएं हैं। पर मैं ये मानता हूं कि आस्था पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना चाहिए। जिसकी जैसी आस्था उसको उस आस्था पर चलने देना चाहिए। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है कि हम लोग अलग अलग आस्था के लोग हैं। कोई भगवान राम को पूजते हैं। अब आपने कहा कुछ लोग हैं मध्य प्रदेश के बैतूल में, सिवनी में तो बाकायदा आंदोलन चल गया कि रावण रावण को ना जलाया जाए। दक्षिण भारत में तो कई स्थानों पर जलाना तो दूर रहा, उनका पूजन करते हैं, उसके उनके मंदिर तक बने हैं। तो भारत की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ तो पत्थर भी पूज लो, नाग भी पूज लो, सांप भी पूज लो, वृक्ष भी पूज लो, जिसको चाहो पूज लो, फूल भी पूज लो। आप जिसकी चाहे पूजा कर सकते हैं, जिसको चाहे भगवान मान सकते हैं। तो इसलिए दोनों अलग अलग आस्थाएं हैं। और अगर आप मेरी आस्था पूछेंगे तो मेरी आस्था तो उत्तर भारतीय आस्था है। मैं भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम मानता हूँ। मैं उस विचारधारा से आदिवासी हूँ पर विचारधारा से सहमत नहीं हूँ कि भगवान राम को उनका पूजन ना किया जाए, ये मैं नहीं मानता। लगातार बीच बीच में ये मांग भी होती रही है कि नक्सलवाद को अगर खत्म करना है या फिर उसको कम करना है तो क्यों ना एक बस्तर रीजन को एक राज्य के रूप में घोषित कर दिया जाए, क्योंकि वो केरल से बड़ा ऐसा क्षेत्र को माना जाता है। केरल केरल मगर नंद कुमार पटेल जी थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी बातें कही थी, बस्तर वाली बात आई थी। आपका क्या कहना है इस मामले को? देखिए मैं ये सोचता हूँ कि नक्सलवाद पर जैसा जिस प्रकार से कार्य करना चाहिए वो नहीं हुआ। और विशेषकर डॉक्टर रमन सिंह जी को उसकी वो समझ नहीं है जो विश्लेषण मैंने किया सामाजिक आर्थिक विकास का, राजनीतिक पहल कर। उन दो बिंदुओं पर उनकी कोई पहल नहीं रहती। कोई बड़ा हादसा हो जाता है तो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, बाई रोड भी नहीं जाते, वो हेलीकॉप्टर से जाते हैं, रीत चढ़ा के माला चढ़ा के वापस आ जाते हैं, फिर लौट के नहीं देखते हैं। तो इससे तो वो हल नहीं निकलेगा। मेरा ये मानना है कि बस्तर में अलग राज्य की मांग इसलिए उठती है क्योंकि उसकी अवहेलना हो रही है। वहाँ का कोई आदिवासी ऐसा नहीं है, जो प्रो नक्सल होगा वो भी, जो एंटी नक्सल होगा वो भी, अपनी हथेली पर अपनी जान लेकर हर क्षण घूमता है। नक्सली आएगा तो उसको ये कह के मार देगा कि तू पुलिस का इन्फॉर्मर है, और पुलिस आएगी तो उसको ये कहकर मारेगी कि तू नक्सलों के प्रति तेरी सहानुभूति है। तो उसकी तो जान हथेली पर है, तो वो कैसे खुश रहेगा? जब तक हम इस समस्या का हल नहीं निकालेंगे, और मुझे लगता है कि अब वो स्थिति आ गई है, एन के एन प्रकार एक दबाव की स्थिति बनी है जिसमें नक्सलियों के ऊपर दबाव काफ़ी बन गया है। विशेषकर जब वहाँ कल्लूरी आईजी थे तो सही गलत जो भी हुआ हो वो अभी चर्चा का विषय नहीं है, पर उन्होंने जो प्रेशर शासन की तरफ से बनाना चाहिए वो बहुत बड़ा प्रेशर बना दिया। और ये ऐसा अच्छा मौका है जबकि वार्तालाप चालू होना चाहिए, और वार्तालाप चालू करके इसका हल निकालना चाहिए। हल निकल जाएगा तो बस्तर वाला कोई नहीं चाहेगा कि रायपुर से अलग हो जाए, बस्तर वाला कोई नहीं चाहेगा कि धमतरी से अलग हो जाए। हमारे उनके संबंध पुराने हैं, बने हुए हैं, बने रहेंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, और आप सबका भी धन्यवाद। तो हाजिरों में आज इतना ही। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी जी, और जो अपनी नई पार्टी बना चुके हैं और पूरे प्रदेश में एक माहौल उनके पक्ष में भी देखने को मिल रहा है। अगली बार जब मिलेंगे तो किसी नए शख्सियत के साथ मिलेंगे। नमस्कार। Exclusive news. Keep watching Chhattisgarh's first online news channel and portal, Clipstartin.